हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए चार पैरामीटर्स। एक रहेगा पिच, दूसरा रहेगा थिकनेस, तीसरा रहेगा डेप्थ, चौथा रहेगा एंगल। क्वेश्चन में हमें पिच दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम उसको एज्यूम करेंगे। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे पिच इज इक्वल टू 40 mm। थिकनेस क्या रहता है? पिच के हाफ रहता है, थिकनेस इज इक्वल टू 0.5 p। तो अगर हमारा पिच 40 mm है तो थिकनेस आएगा हमारा 20 mm। डेप्थ यानी कि हाइट क्या रहता है? डेप्थ इज इक्वल टू थिकनेस, यानी कि जब हमारा थिकनेस 20 mm है तो हमारा डेप्थ भी 20 mm रहेगा। और एंगल, स्क्वायर थ्रेड का एंगल रहता है हमेशा 90 डिग्री। तो उसके लिए हम अगर ड्रॉ करने वाले हैं तो यहाँ पे हम चार टीथ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक पहले 140 mm का लाइन लेंगे, बाद में ये पॉइंट से हम नीचे 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे। 90 डिग्री का पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका डेप्थ हमें कितना लेना है? 20 mm। तो यहाँ से हम एक 20 mm का पॉइंट मार्क करेंगे और इसी लाइन को पैरेलल, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल एक लाइन उसी पॉइंट से निकालेंगी जिसका लेंथ भी हमें सेम 140 mm लेना है। यहाँ से फिर से एक लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हम एक बॉक्स कंप्लीट करेंगे। अभी हमें एक टीथ का थिकनेस कितना है? 20 mm। तो ये 140 का हम पार्ट्स करेंगे जिसमें हम वन टीथ का थिकनेस 20 mm पे कट करेंगे। यहाँ पे रहेगा 20 mm, बाद में रहेगा 20 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर 20 mm, और ये लास्ट का 20 mm। हमें एक टीथ बनाना है, इसके लिए हम पहले ये लाइन को पूरा डार्क करेंगे, उसी से ये लाइन रहेगा इसको भी पूरा डार्क करेंगे, बराबर। फिर यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किए ये सब लाइन हम डार्क करके लेंगे। वर्टिकल लाइंस पूरी हमने डार्क की, बाद में हमें क्या करना है? ये पहला टीथ बनाने के लिए हमें ये लाइन को डार्क करना पड़ेगा, ये लाइन को हमें डार्क करना पड़ेगा। और अल्टरनेटली हम यहाँ डार्क करेंगे, बाद में ये छोड़ के ये टीथ में यहाँ डार्क करेंगे, सॉरी यहाँ पे किया, बाद में यहाँ डार्क करेंगे, ये फेंट रहेगा, ये इसको इरेज करेंगे, बाद में यहाँ डार्क करेंगे और दूसरे टीथ में यहाँ डार्क करेंगे, अगले टिथ में यहाँ डार्क करेंगे और अगले टिथ में यहाँ डार्क करेंगे। ये बन जाएंगे हमारे चार टीथ। तो ये टीथ बनने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से थोड़ा नीचे लाइन एक्सटेंड करके लेंगे, यहाँ भी लाइन थोड़ा एक्सटेंड करके लेंगे और यहाँ हम उसको जॉइंट करेंगे, बराबर। ये सब करने के बाद अभी यहाँ से तो मैं ये इरेज कर देता हूँ बीच का। ये बन जाता है हमारा स्क्वायर थ्रेड। तो पहले तो मैं यहाँ पे उसका डायमेंशंस जो है वो सब मार्क करता हूँ। हम इसके डायमेंशंस अभी दिखाएंगे। यहाँ पे हम एरो दिखाएंगे, इसका थिकनेस कितना बताया हमने? वन टीथ का 0.5 p। ये वन टीथ है, इसको हम कहेंगे इसका थिकनेस टी, जो कि रहता है 0.5 p। और यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से यह पॉइंट तक ये रहता है पिच। अब इसका डेप्थ और हाइट, जो कि टीथ का डेप्थ रहेगा या फिर उसको हाइट भी कहते हैं हम, यहाँ पे दिखाएंगे हम वो कितना रहेगा। इज इक्वल टू थिकनेस, जो कि 20 mm आया है हमें, वो भी रहेगा हाफ ऑफ पिच, 0.5 × p, सेम रहेगा हाफ ऑफ पिच। बाद में इसको हम हैचिंग करेंगे,
45 डिग्री पे हैचिंग करनी रहती है। हैचिंग करने के बाद हमारा स्क्वायर थ्रेड कंप्लीट हो जाता है, इसको कहते हैं स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। बहुत ही सिंपल है, जो भी पीच हमें गिवन आएगा क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, उसको खाली पीच लेना है और वो पीच जो थिकनेस वनटीथ का निकालने के लिए हमें हाफ ऑफ पिच करना पड़ेगा, और स्क्वायर थ्रेड में हमें डेप्थ और थिकनेस इक्वल रहता है। ये जो थिकनेस है टीथ का और ये डेप्थ इक्वल रहता है, और इधर हम दिखाएंगे इसका एंगल जो कि रहता है 90 डिग्री। सिर्फ चार पैरामीटर चाहिए हमें, टीथ थिकनेस, पिच, टीथ का डेप्थ और एंगल, बस ये चार पैरामीटर से हम स्क्वायर थ्रेड निकाल सकते हैं। थैंक यू।